खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको अपडेट करते हैं कि चेयरमैन बल्दिया बस्ती रिहान हाशमी ने कहा है कि कराची मुल्क का माशी हब है, सनत बेहतर होगी तो आवाम के मसाइल हल होंगे और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। रिहान हाशमी ने नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड्स एंड इंडस्ट्रीज का दौरा किया और सनती इलाकों में जाकर वहां के मसाइल का बखूबी जायजा लिया। सैवरेज मसाइल, सड़कों की टूट फूट, कचरे के अंबार और दीगर मसाइल का जायजा लिया। पारसानी पार्टी के दफ्तर में इलाके के मसाइल का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग का इनका किया गया। मीटिंग में मसाइल को उजागर किया गया और उनके हल के लिए तजावीज पेश की गई। इजलास में म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम सोमरो, सैनिटेशन अफसरान, डायरेक्टर पार्क्स निकार्टी के अफसरान, सुपरिटेंडेंट निकार्टी अख्तर इस्माइल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद वसीम अख्तर, वाइस प्रेसिडेंट राना मोहम्मद यासीन और कैबिनेट मेंबरान शरीक थे। मीटिंग के दौरान सनती इलाकों में ग्रीन बेल्ट्स को हरा भरा बनाने और बेहतरीन कचरा कुंडियां बनाने पर जोर दिया गया। इजलास के बाद मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगु करते हुए चेयरमैन रिहान हाशमी ने कहा कि कराची मुल्क का माशी हब है, सनत बेहतर होगी तो आवाम के मसाइल हल होंगे और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। मल्टीपल इशूज को हमने डिस्कस किया है और हमने टाइम लाइन डेड लाइन सेट की है और मैं समझता हूँ कि जो सनतकार हैं उनके साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जिला बस्ती इंशाल्लाह अपने लोगों की फलाह का काम भी करेगा। हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी बनती है कि स्पेशल ग्रांट, स्पेशल फंड और मशीनरीज ग्रांट करें ताकि आवाम के जो मामलात हों वो हल हों। बुनियादी तौर पे आवाम तो टैक्स दे ही रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के सनतकार टैक्स दे रहे हैं, मगर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, ख़ासतौर पर सिंध हुकूमत से मैं गुजारिश करूँगा कि स्पेशल ग्रांट एलोकेशन हो जानी चाहिए, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन कराची वाले कर रहे हैं यही तो आप बात कहते आ रहे हैं कि कराची वालों को उस कंट्रीब्यूशन का कम से कम इक्विवेलेंट, कम से कम जस्टिफिकेशन के साथ रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। म्युनिसिपल कमिश्नर वसीम सोमरो का कहना था कि सरहदी इलाकों को खूबसूरत बनाना इंतहाई ज़रूरी है ताकि गैर मुल्की सरमायाकारों की सरमायाकारी में दिलचस्पी बढ़े। ये जो नालों की और सिविल सिस्टम की चौकिंग है तो इस हवाले से हमने जो है एजेंडे में ये रखा है कि KWSP के कोलोबरेशन से इसको फर्स्ट इंस्टेंस में इसको शुरू कराया जाए और आज हमने कोई 50 डंपर्स अरेंज किए हैं सैनिटेशन कंपेन के लिए, तो उसका कुछ जो है पोर्शन यहाँ पे जो है जो यहाँ पे गार्बेज पॉइंट्स हैं, जो GTS है, दो GTS हैं अपने न्यू कराची में और मुख्तलिफ जगहों पे गार्बेज पॉइंट्स हैं, उनको क्लियर करेंगे और मुहर्रम के बाद जो है जो ग्रीन बेल्ट्स पे जो इंक्रोचमेंट है उसको क्लियर करके उनको ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर करेंगे। इस मौके पर रिहान हाशमी ने निकार्टी के तमाम अराकीन को मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी भी करवाई।